अगर इस नगर निगम चुनाव में हम देखें या इससे पहले के नगर निगम चुनाव में देखें तो जहां ईवीएम से वोट पड़ा है वहां जो जीत का प्रतिशत और यहां बैलेट से पड़ा है उसमें जीत के प्रतिशत में बहुत बड़ा अंतर है। ये बैलेट पेपर से जो चुनाव है वो कहीं ज्यादा जनता के सही आप कह सकते हैं सोच को दर्शाता है और ईवीएम के अंदर जो परिणाम है वो निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं मैनिपुलेटेड हैं। ये चीज हमारे सामने आती है। मुख्य राजनीतिक पार्टियां अगर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ईवीएम के सवाल पर बोलती तो हैं लेकिन कोई बड़ा अभियान नहीं बनाती। ये हमें समझ से परे है कि ऐसा क्यों करती है, क्योंकि जब तक नमस्कार दोस्तों, मैं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। दो चुनाव एक साथ हुए इस देश, एक कर्नाटक में हुआ और दूसरा उत्तर प्रदेश में। दोनों में जनता सीधे वोट दे रही थी। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव हुए, कर्नाटक में विधानसभा चुनाव। विधानसभा चुनाव के परिणाम से पूरा देश परिचित है। नगर निकाय चुनाव उत्तर प्रदेश के चुनाव से संभवतः पूरा देश नहीं परिचित होगा, लेकिन इतना क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी जीती बड़े स्तर। इस बात को समझने में दो बातें समझनी बेहद जरूरी है। एक तो ये कि नगर निकाय चुनाव के दो हिस्से हैं, एक नगर निगम है और दूसरा नगर पालिका है। नगर निगम के जो चुनाव हुए उसमें मेयर के चुनाव, मेयर की 17 सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए और सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती, लेकिन नगर पालिका के चुनाव में दूसरी पार्टियों के नेता भी पर्याप्त जीते। तो इस बात को समझना जरूरी है कि नगर निगम के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा क्या जादू किया कि सभी सीटों पर उन्हीं के प्रत्याशी जीते, जबकि नगर पालिका में भी वही जनता थी उत्तर प्रदेश की, उसी काम के बदौलत वोट दे रही थी, उसके अलग परिणाम क्यों है। इस बात को समझने के लिए हमारे साथ इस वक्त प्रदीप शर्मा है। वह एसोसिएट प्रोफेसर हैं, लखनऊ में रहते हैं और लंबे समय से यानी पिछले 6 वर्षों से लगातार ईवीएम का अध्ययन कर रहे हैं। हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि नगर निकाय चुनाव में ईवीएम का क्या रोल रहा। इस म्यूनिसिपल इलेक्शन के आप नतीजों को देखने पर और उदाहरण को जाने से पहले जी एक प्रारूप हम लोग को समझना होगा, जो मैंने बताया कि चाहे उत्तर प्रदेश का चुनाव रहा हो, चाहे गुजरात का चुनाव रहा हो, चाहे त्रिपुरा विधानसभा का चुनाव रहा हो, या इससे पहले वाले म्यूनिसिपल इलेक्शन उत्तर प्रदेश के रहे हो, या वर्तमान का जो नगर निगम चुनाव रहा है उसको वो देखें, तो एक पैटर्न है। उस पैटर्न को हमको पहले समझना होगा कि एक मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से एक जबरदस्त वातावरण भाजपा के लिए बना रहता है। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया इस वातावरण के द्वारा, जिसको हम लोग डिफरेंट स्टडीज में कहते हैं परसेप्शन मैनेजमेंट जी, के जनता का जो परसेप्शन है वो बन जाए कि भाजपा जीत रही है। ये एक पैटर्न है जो बन के काम करता है और इस पैटर्न का जो बढ़ाने का काम है, आप देखेंगे कि एग्जिट पोल से काउंटिंग के बीच जितना होता है इस वातावरण को और ज्यादा तेज और तीखा किया जाता है, जिससे कि ये परसेप्शन लोगों में बन जाए कि जनता पहले से ही जीत रही। ये हर बार हम लोगों ने एक सा पैटर्न देखा है। 2017 के चुनाव में बक्सी के तालाब विधानसभा क्षेत्र का, उसके 12 पोलिंग सेंटर का स्पेशली सर्वे किया था। उस सर्वे में हम लोगों ने दो काम किए थे कि उन 12 पोलिंग सेंटर पर वहां की जो जनता थी, जो उस गांव में निवास करती थी, उसमें जनसंख्या का क्या प्रतिशत था वो निकाला था कि वो उनकी डेमोग्राफिक प्रोफाइल क्या है, और फिर विधानसभा का जो रिजल्ट आया था उसको उसके, क्योंकि वहां पर उस समय मैं पार्टी का सेक्रेटरी था और हमारा प्रत्याशी भी लड़ा था, इसलिए बूथ वाइज हमारे पास वोट भी मौजूद था। तो उन 12 में हमने जो स्टडी की थी वो जानबूझकर हम लोगों ने 12 चिन्हित किए थे कि जो स्पेशल डेमोग्राफिक प्रोफाइल लगते थे, उन 12 में जो पॉपुलेशन थी
या तो 80% उसके अंदर मुस्लिम आबादी थी, कहीं कहीं 100% भी मुस्लिम आबादी थी, अगर आप मैं उसमें 12 गांव में हमने जो स्टडी की थी, और उसके अंदर के वोट देखे थे, तो वो मुस्लिम आबादी या दलित आबादी का एक बहुत बड़ा है सेक्शन, जिसका हम लोगों ने देखा था कि जो उसके साथ मौजूद था उन गांव की एनालिसिस में, जैसे हमने अरंबा एक उदाहरण के रूप अरंबा पोलिंग सेंटर देखा था, जिसके अंदर 89% मुस्लिम आबादी थी, जिसका पूरा का पूरा गांव का रुझान भाजपा के खिलाफ था, लेकिन वहां पर भाजपा 266 वोट पाई, 266। कुल वोट कितने थे वहां? समाजवादी पार्टी को 138 वोट टोटल वोट थे वहां पर। आप देखेंगे कि वहां पर वोट पड़ा है कुल मिलाकर 504, जिसमें 266 वोट बीजेपी को मिला था। उसके बाद जो अमानीगंज, जिसके अंदर मुस्लिम आबादी 92% है, और टोटल 800 वोट पोल हुआ था, 800 वोट में बीजेपी को 502 वोट रिजल्ट में। इसके बाद एक साड़ामऊ विधानसभा थी, जिसमें 100% मुस्लिम आबादी है, कोई भी और मुस्लिम आबादी के अलावा घर नहीं था, जिसमें हम लोगों ने देखा था 390 वोट पड़े थे, जिसमें 191 वोट, 191 वोट बीजेपी को पोल हुए थे। ऐसे ही इस गांव की स्टडी है, 12 गांव। तो इन 12 गांव की स्टडी ने एक हमारा ये कह सकते हैं कि पायलट सर्वे था। उस पायलट सर्वे में हमने ये देखा कि आप उसको ये नहीं कह सकते कि ये सर्वे अपने आप में वहां जनता का रुझान भाजपा के खिलाफ, जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल है वो भाजपा के खिलाफ, लेकिन रिजल्ट में भाजपा सबसे आगे। ये उस समय की एक स्टडी थी, जिसके वो हम लोगों ने अपना जो हम लोगों ने अध्ययन किया था उसको कह सकते हैं कि जमीन पर साबित करने के लिए, कि हम टेक्नोलॉजी के बारे में भले ही मशीन हमारे पास नहीं है, हम कोई तकनीक की जानकार नहीं है, लेकिन जनता के बीच में अगर हम काम कर रहे हैं तो जनता के रुझान को परिणाम से मिलाने का काम हम कर सकते हैं। और यही अभियान हमने चलाया था, और तमाम पार्टियों से भी हमने अपील की थी कि कम से कम आप अपने कुछ वोट वाले इलाके चिन्हित कर उनमें सर्वे करें और उससे आप निष्कर्ष निकालें। लेकिन आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जनसहयोग की बदौलत चलता है। आप भी जनसहयोग में शामिल हो और आजाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाभियान में शामिल हो। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथी। मतलब छोटा सा एक सैंपल सर्वे जो आप लोगों के जरिए लखनऊ शहर में बक्सी का तालाब विधानसभा में किया गया, उसके रुझान को लेकर आप ये बात कह रहे हैं, जिसमें आपका ये कहना है कि मुस्लिम बहुल 90% वोट संख्या वाला इलाका, जिसमें कि वोट भी भाजपा को 70-80% तक पड़ रहा है, मिला है, ये एक डाउटफुल बात है। अब हम इस बात को, इस परिणाम को, इस छोटे एक अनुभव को जब हम नगर निकाय चुनाव में 2023 में देखते हैं, जो परिणाम 13 को आया है, तो फिर उसको लेकर आपका क्या कहना है? जब ईवीएम अलग जवाब देता है और बैलेट अलग कहानी कहता है। अब जैसे 2023 का जो नगर निगम चुनाव है, इसके अंदर भी अगर आप पायलट स्टडी करेंगे तो एक वार्ड जिसके अंदर हम लोग ने अभी स्टडी करके देखा भी कि 2023 के चुनाव के दौरान इस्माइलगंज द्वितीय वार्ड, लखनऊ का एक वार्ड है 43 नंबर, उसके अंदर हम लोगों ने कई प्रत्याशियों को देखा, तो उसमें हमारे काफी नजदीक से देखने का मौका मिला, क्योंकि हम उसके अंदर काम भी कर रहे थे और देखा भी हमने। तो जो परिणाम है वो चौंकाने वाला है। वहां बहुत से पोलिंग सेंटर थे जहां पर एक निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन में लोग काम कर रहे थे, और जब हम उसका वोट रिजल्ट में देखते हैं तो उन इलाकों में जो कार्यकर्ता भी काम कर रहा है उनका भी वोट मौजूद नहीं। कहने को बहुत एक छोटा सा वार्ड, उस वार्ड का छोटा सा पोलिंग बूथ बहुत छोटी एनालिसिस के लिए हो जाता है, लेकिन कम से कम आपको एक रुझान बताता है
कि जिस गली के अंदर आपके साथ 35 कार्यकर्ता दिन रात चल रहे हो और वहां आपका वोट जीरो हो और जहां भाजपा के प्रति नाराजगी हो और उसको वोट आपका टोटल उस इलाके का गया हो, इस तरीके का इस्माइलगंज में क्या हुआ? इस्माइलगंज एग्जैक्ट स्थिति बताइए जी। इस्माइलगंज द्वितीय लखनऊ का एक पार्षदीय इलाका होगा, पार्षदीय इलाका था, उसके अंदर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर हमारे संपर्क में, हमारे आप कह सकते हैं कि क्लोजली वाच हम लोग कर रहे थे, उसमें मौजूद थे, उस चुनाव में भी मौजूद थे। काफी ज्यादा आप देखेंगे कि उसके अंदर जो भाग संख्या है उनमें रुझान को कि पूरा चुनाव लग रहा था कि एंटी बीजेपी है और वहां बीजेपी कभी जीती भी नहीं है, लेकिन इस बार वहां कोई उनका आधार नहीं, जहां से तमाम कार्यकर्ता उस निर्दलीय प्रत्याशी जिनको हम लोग सपोर्ट कर रहे थे उनके साथ था, या आबादी को भी देखेंगे आप तो उन इलाकों में कहीं पे 2 वोट कहीं पे 3 वोट मिला। तो ये वही ट्रेंड है जो हमने एनालिसिस किया था कि इसमें होता यह है कि नीचे की जो एनालिसिस है उस नीचे के एनालिसिस में कि जो नीचे का वोट है जी वो शिफ्ट हो जाता है तुरंत ही के पहले 2 प्रत्याशी या 3 प्रत्याशी का वोट तो इंटैक्ट रहता है, लेकिन नीचे के सारे प्रत्याशियों का वोट रिगिंग के द्वारा चला जाता है, नीचे के प्रत्याशियों का वोट समाप्त हो जाता है। यही मैं अध्ययन की बात कर रहा था और यही अध्ययन इसमें भी दिखाई दिया कि जो लोग लड़ाई के अंदर मजबूती के साथ दिख रहे थे वो सब के सब का वोट 500-600 में सिमट के रह गया और सारा वोट जिसको भाजपा को लोगों का अंदाजा था कि 800 जाएगा वो बढ़कर 4,500। तो वही स्टडी जो हमारी उत्तर प्रदेश चुनाव के समय थी, वही स्टडी जो हमारी गुजरात चुनाव के समय थी, वही फिर नगर निगम चुनाव में दिख रहा है। और इतना ही नहीं, अगर आप उसको दूसरी पंचायतों में देखेंगे जैसे महमूदाबाद के अंदर नगर पालिका बीजेपी हार गई, नगर पालिकाओं में बीजेपी हार रही है लेकिन नगर निगम के अंदर जहां ईवीएम से चुनाव हो रहा है वो जीत रही है। इस्माइलगंज की स्टडी हमारा उसी पैटर्न को दोबारा एस्टेब्लिश कर रहा है। तो अभी जब परिणाम आए हैं तो लोगों की प्रदेश में क्या चर्चा है? जैसे लखनऊ की बात करें तो समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी जो वंदना मिश्रा है 3 लाख से ज्यादा वोट मिला लेकिन वह हार गई और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीते। अब यह है कि वहां जब आप इस्माइलगंज या दूसरे जगहों का उदाहरण दे रहे हैं तो वहां जनता में क्या चर्चा है? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियों में तो कोई चर्चा नहीं है, लोगों में कोई चर्चा नहीं है, जनता में ईवीएम को लेकर क्या सवाल है? या वहां भी माना जा रहा है कि नहीं, मुस्लिम आबादी का एक बड़ा हिस्सा वोट दे रहा है सरकार के कामों की वजह से भाजपा? नहीं, जनता तो देखिए हमेशा से 2014 से जनता के बीच में ये चर्चा है, लेकिन धीरे 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 जब उस जनता की चर्चा को किसी राजनीतिक पार्टी ने अपना मुख्य एजेंडा नहीं बनाया तो जनता में इस बात को लेकर निराशा भी है। और नहीं तो इसका जवाब भी आप ही के पास होगा कि आखिरकार भाई चुनाव और उसके ईवीएम की गड़बड़ी का सीधा रिश्ता पार्टियों से है, करोड़ों रुपया इन्वेस्ट करती हैं पार्टियां, फिर यह इसको मुद्दा क्यों नहीं बनाती पार्टियां? ये ऐसा क्या ये हमारी क्या है जी? ये हमारी भी समझ से बाहर है कि लगातार इस चीज को देखते हुए, जनता के बीच के रुझान को देखते हुए, जनता के अंदर की चर्चा को देखते हुए, तमाम अध्ययन को देखते हुए भी मुख्य राजनीतिक पार्टियां अगर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ईवीएम के सवाल पर बोलती तो है लेकिन कोई बड़ा अभियान नहीं बनाती। ये हमें समझ से परे है कि ऐसा क्यों करती है, क्योंकि जब तक मेरा अपना मानना है कि ये इशू रहेगा तब तक बहुत बड़ा कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो ये क्या सोचते हैं, लेकिन क्या करते हैं? अगर प्रदीप जी देखें तो हम आलोचना करें या आप आलोचना करें, हमारा आपका नेटवर्क बहुत छोटा है, पार्टियों का नेटवर्क बहुत बड़ा है। तीनों पार्टियां जिनका आपने नाम लिया, कांग्रेस, बीएसपी और एसपी, तो हो सकता है उनको सच का पता हो और उनको पता हो कि जनता ने उन्हें वोट ही नहीं दिया है इसलिए वो जीती नहीं, इसलिए शायद वह चुप हो जाती है। दरअसल ये ईवीएम का प्रक्रिया जो अपनाई जा रही है ये इतनी ज्यादा प्लांड और सेलेक्टेड है कि जिससे ये भ्रम की स्थिति बनी रहती है कि ये वास्तविक है कि नहीं। देखिए बहुत सी, अगर मान ले हम पोलिंग ऐसी हैं जिसके अंदर बीजेपी ऐसे ही जीत रही,
वहां पर उसको ईवीएम की रिगिंग करने की जरूरत है, जरूरत नहीं, जनता का उसको समर्थन मौजूद है। बहुत सी पोलिंग ऐसी मिलेंगी जिसके अंदर वो हार रही, उनको भी वो नहीं छूते। जहां पर एक बीच की स्थिति होगी वहां पर आप देखेंगे कि ये रिगिंग ज्यादा काम करती है, ये ऐसा हम लोगों ने तमाम अध्ययनों के आधार पर देखा है। अच्छा, ऐसा पाया है कि जहां भी बीच की स्थिति है, जहां की वही लड़ाई है, जी, और वो बहुत ज्यादा जो बीच की स्थिति है उसके अंदर अगर जो शिफ्टिंग होती है वो जब ज्यादा बढ़ जाती है तब चीजें सामने आ जाती है। जैसे अभी हमने 12 विधानसभा का उदाहरण दिया, या जो आप अभी विधानसभा का इस्माइल वार्ड का जो उदाहरण गंज की बात कर रहे थे, उदाहरण के रूप में कह रहे थे कि ये जी जब थोड़ा ज्यादा हो जाएगा तब शो होगा, बीच की स्थिति में शो ही नहीं होगा, उन्हें लगेगा कि जनता का रुझान। इसलिए बहुत सी पार्टी इस अध्ययन को बहुत ज्यादा जितना गंभीरता से लेना चाहिए वो ले नहीं रही, जबकि असली बात यह है कि ये चुनाव आयोग के लिए भी चुनौती की बात है। अगर ये सवाल उठ रहे थे तो चुनाव आयोग के अपने सवाल नहीं है, क्योंकि ईवीएम वो नहीं बनाता, वो केवल चुनाव को संचालित करता है। लेकिन वो भी एक पार्टी बना हुआ है, और दूसरा क्या है कि पूरे देश के पैमाने पर अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी अकेली एक ऐसी पार्टी है जो ईवीएम के ऊपर सवाल नहीं उठा रही, कभी भी सवाल नहीं उठा रही है। कांग्रेस की गवर्नमेंट के समय भले ही उठाया हो, लेकिन 2014 ऑनवर्ड आप देख रहे हैं कि कोई सवाल बीजेपी की तरफ से नहीं आ रहा है, और बाकी सब पार्टियां उसके ऊपर सवाल उठा रही है। चुनाव आयोग भी, मतलब प्रदीप जी आपका ये कहना है कि ये वही पार्टी भारतीय जनता पार्टी 2014 के पहले खुद सुप्रीम कोर्ट गई, इसके नेता चुनाव आयोग गए, जगह जगह प्रदर्शन किया, किताबें लाल लिखी, किशन किताबें भी किशन लिखी, वानी किताब लेकिन जैसे ही 2014 में जीते उसके बाद से ये चुपी। ये भी एक डाउट की स्थिति है, बहुत डाउट की स्थिति है। और ये कैसे हो सकता है कि एक राजनीतिक पार्टी को ईवीएम के सवाल के ऊपर एकदम चुप है, या वो बोलती ही नहीं है या उसका समर्थन करती है, चाहे वो जिस तो भी राज्य में हार जाए या जीत जाए, हार जाए जीत जाए वो ईवीएम के सवाल को नहीं उठाती, ये अपने आप में एक भ्रम की स्थिति पैदा करता है। और इसके अंदर अलग अलग रुझान को देखते हुए भी एक जनरल टेंडेंसी है कि माहौल बनाना, पैसा, मीडिया, उसके प्रयोग से जनता के बीच में एक परसेप्शन बनाना कि हम जीत रहे थे, उसकी आड़ में अगर हम रिगिंग करेंगे तो वो रिगिंग शो नहीं होगी, और उस रिगिंग को हम कुछ ना कुछ एक आधार दे देंगे, तो जनता के बीच में, लोगों के बीच में एक भ्रम बनाने का काम इस जो प्रचार की जबरदस्त मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया सबके में दिखती है, वो चुनाव के समय तक जारी रहती है और काउंटिंग तक और तेज हो जाती है। तो उससे लोगों के बीच में ये भ्रम बनता है कि ये तो जीत ही रहे थे, और उस भ्रम की स्थिति की आड़ में ये रिगिंग सामने नहीं आता। ये कुल मिलाकर हमने विभिन्न अध्ययनों में देखा, अगर कभी समय मिला तो आपसे उसको साझा करेंगे, लेकिन ये रुझान इस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में भी फिर मतलब से वही। आपकी बात से ये समझ में आ रहा है कि सोशल मीडिया, मीडिया और जो एक प्रचार तंत्र है भारतीय जनता पार्टी का, उसके जरिए ईवीएम का जो सवाल होता है वो भी दब जाता है, क्योंकि लोगों में यही परसेप्शन जाता है कि साहब जीत ही रहे थे और उसमें ईवीएम का क्या है, माहौल तो उनके पक्ष में ही था। अब आइए जरा फिर से नगर निकाय चुनाव पर आखिरी सवाल के तौर पर लौटते हैं कि नगर पालिका की जनता भारतीय जनता पार्टी को बाकी पार्टियों के मुकाबले देखती है, जहां सपा भी जीतती है, बसपा भी जीतती है, निर्दलीय भी जीतते हैं, कांग्रेस भी जीतती है, 81 सीटों पर दूसरे दल भी जीतते हैं, लेकिन नगर निगम के सीट पर सिर्फ और सिर्फ बीजेपी जीतती है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो शहर की जनता है, हालांकि दोनों ही शहर है, मुझे उम्मीद है बाराबंकी नगर पालिका होगा तो लखनऊ नगर निगम होगा, इसी तरह की स्थितियां होंगी, तो क्या मतलब इनका बड़े महानगरों में ज्यादा बड़ी पैठ है और छोटे महानगर या छोटे शहरों में इनको कम जनता पूछ रही है? इतना फर्क तो होना नहीं चाहिए था। देखिए, जो आपने कहा वो उनके तर्क के अंदर भी छुपा रहता है। जो अभी आपको जब ईवीएम पे सवाल उठाएंगे तो वो कह देंगे कि ये अंतर है, शहरों की जनता भाजपा के ज्यादा समर्थन कर रही है और ग्रामीण क्षेत्र में नहीं कर रही है। लेकिन अगर आप जब शहरों में समर्थन के लिए जाएंगे तो क्या तर्क आएगा कि आप पहले कहते थे कि सवर्ण की संख्या जी, जो नगरीय सवर्ण मतदाता है उसका
अधिकतम हिस्सा भाजपा के साथ जाता है। बाद में तर्क आया कि गैर यादव और गैर जाटव ओबीसी और दलित का हिस्सा भी भाजपा में जा रहा है। तीसरा तर्क आया कि उनको देखकर मुस्लिम का भी कुछ हिस्सा साथ में आ रहा है। जी अब जो ग्रामीण की जनता है वो हम नहीं बात करते, लेकिन नगर पालिका की जनता का जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल है वो नगर निगम से बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, लगभग आप देखेंगे एक जैसा है। और आपके साथ में जब ओबीसी भी है, आपके साथ में जब दलित भी है, आपके साथ में सवर्ण भी है, तो वो शहर के अंदर भी है तो कस्बे के अंदर भी है, तो फिर परिणाम एक से क्यों नहीं है? परिणाम में इतना बड़ा अंतर क्यों है कि चार नहीं, गुना सुपड़ा वोट साफ जैसा भी परिणाम है ना, एकदम से साफ है, वहां नगर एकदम निगम से में साफ है। बिल्कुल बेसाफ है। और दूसरा क्या है कि हम यही बात कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी केवल ईवीएम के सहारे नहीं जीत रही, भारतीय जनता पार्टी का समर्थन मौजूद है। इस पे कोई हमारे बीच में गलतफहमी नहीं है या हमारे दिमाग में गलतफहमी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का आधार नहीं जी या उसका जनता के बीच में प्रभाव नहीं बढ़ा, लेकिन जो परिणाम है वो उनके प्रभाव के मुकाबले कहीं ज्यादा है, जी जिसके पीछे कहीं ना कहीं ईवीएम रिगिंग का भी खेल है जी कुछ हिस्सा। हम ये कहते हैं कि खाली ईवीएम से कोई चुनाव जीत लेगा ये संभव नहीं है, एक उसके पास औसत वोट होगा, उस जी औसत वोट में अगर रिगिंग का भी थोड़ा बहुत प्रयोग होता है तो उससे परिणाम बदल जाता है, जो मतपत्र में नहीं हो पाता। लेकिन आप देखेंगे कि मतपत्र में भी बीजेपी ऐसा नहीं है कि वोट नहीं पाई, वोट पा रही है, लेकिन जी जो शहरों में पा रही है उसकी तुलना कतई नहीं की जा सकती, वो उससे बहुत ज्यादा अलग है, वैसे भी हमारी बहस का मुद्दा एक तरफापन को लेकर है, वोट पाने को एक लेकर बिल्कुल तरफा। भी नहीं। जी और आप यही बात देखेंगे कि जो नगर पालिकाओं में है कहीं भी एक तरफापन आपको नहीं दिखेगा, वहां पर आप देखेंगे कि जनता का प्रतिनिधित्व जिस तरीके का होगा उस तरीके के परिणाम आपको दिख रहे हैं। पैटर्न किसी का भी देख लीजिए, अभी जैसे इस्माइलगंज का उदाहरण हमने लिया था या बक्सी तालाब का हमने उदाहरण लिया था, तो ये हमारे लिए एक पायलट स्टडी है जो हमारे इस बात को बताते हैं कि भाजपा के लिए एक समर्थन है। भाजपा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया और पैसे का अपार प्रयोग करके प्रचार के द्वारा जनता के अंदर ये पहले से प्रमाणित करने की कोशिश करती है कि वो बहुत जीत रही है, जिसकी आड़ में वो सिलेक्टेड रिगिंग को छुपाती है और सिलेक्टेड रिगिंग का लिए एक बेस बनाने का काम करती है, जो एग्जिट पोल के बाद और ज्यादा तेज होता है, जिससे चुनाव परिणाम के बाद जब सिलेक्टेड रिगिंग की भी अगर संभावना होती है वो सामने आती है तो वो उसकी आड़ में दब जाती है इस परसेप्शन से, और लगता है कि भाजपा तो जीत ही रही थी। और उसके बाद जब एनालिस्ट भी होते हैं या राजनीतिक विश्लेषक भी होते हैं वो चुनाव परिणाम की व्याख्या करने लगते हैं, और चुनाव परिणाम के ठीक एक दिन पहले तक जी जो माहौल था उस माहौल को वो भूल जाते हैं। ये हमें लग रहा है कि गलती है, और इस गलती को जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हो नहीं सकता कि इसके अंदर कोई बहुत बड़ा बदलाव हो पाएगा। जनज्वार, जनता की मीडिया।